हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। गर्मी की सीजन शुरू हो गई है और दोपहर के टाइम में हमें कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन कर ही जाता है। तो आज हम एकदम आसान तरीके से ऑरेंज शरबत बनाएंगे। इसे हम एयर टाइट बॉटल में भर के 6 महीना तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं ऑरेंज शरबत। मैंने यहाँ पे 3 बड़ी साइज का ऑरेंज लिया है। ऑरेंज हमें केसरी कलर का ही लेना है, जो हरा कलर का ऑरेंज आता है वो नहीं लेना है। इसे हम कट कर लेते हैं, बीच में से इस तरह से कट कर लेते हैं। ऑरेंज को मैंने कट कर दिया है। ऑरेंज का छिलका हमें कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से एक छोटा सा कट लगाएंगे और अंगूठा से इस तरह से छिलके को निकालना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये एकदम आसानी से छिलका निकल जाता है। अंगूठा को अंदर की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से एकदम आसानी से छिलका निकल जाता है। इस तरह से इसका छिलका निकाल देते हैं। मैं आपको बताना भूल गई कि पहले हमें इसका बीज निकाल देना है, फिर बाद में इसका छिलका हटाना है। इस तरह से एकदम आसानी से हम ऑरेंज की पेशी को अलग कर सकते हैं। एक डीस लेके इस तरह से इसमें करना है ताकि उसका जूस जो निकले वो डीस के अंदर ही जाए। इस तरह से हम सारे पेशी को अलग कर लेते हैं। ऑरेंज का हम जूस निकाल लेते हैं। दो सौ पचास एम एल कप का माप से कढ़ाई में ये 1 कप चीनी डालेंगे और ये 1/4 कप है। टोटल मैंने 1.25 कप चीनी ली है। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के चीनी को मेल्ट कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। 2 मिनट के लिए चाशनी को मैंने उबाल दिया है। चाशनी हमें चिपचिपी बनानी है, जिस तरह से सेहत होता है उस तरह की चिपचिपी चाशनी हमें रखनी है। आप देख सकते हैं ये तार नहीं बन रहा है। 1 टीस्पून नींबू का फूल डालेंगे। ये 5 ग्राम नींबू का फूल है जिसे हम टाटरी कहते हैं। लगातार चला के इसे मेल्ट हो जाए तब तक कुक कर लेते हैं। 3/4 कप ऑरेंज जूस डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेते हैं। ऑरेंज जूस निकाल के इस तरह से इसका तुरंत ही शरबत हमें बनाना है। अगर ऑरेंज जूस निकाल के हम 1/2 से 1 घंटा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो कड़वा हो जाता है। इसके लिए जब भी शरबत बनाना है उसे टाइम पे हमें ऑरेंज जूस निकालना है। पहले से निकाल के मत रखें। शरबत बॉईल होने लगा है, इसमें 1 उबाल आ गया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। शरबत को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लिया है और ये एकदम थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। जिस तरह से गुलाब जामुन की चाशनी रहती है उसी तरह से ये थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है। बहुत ज्यादा हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है और आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। इस तरह का ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। गैस ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को गैस पे से नीचे उतार के रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं। शरबत रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ये ठंडा हो गया है। इसमें मैं ऑरेंज इमल्सन डालूंगी। अगर आपको ऑरेंज इमल्सन नहीं डालना है तो इसके बदले में आप 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस और 2 से 3 ड्रॉप ऑरेंज कलर का आप डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ऑरेंज इमल्सन डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। ऑरेंज शरबत रेडी है। इसे एयर टाइट बॉटल में भर के फ्रिज में 6 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। अभी हम इसका शरबत बनाएंगे। ऑरेंज शरबत बनाएंगे। ग्लास में 1/4 भाग जितना हम ऑरेंज शरबत डालेंगे। 2 से 3 आइस क्यूब डालेंगे। शरबत में डालने के लिए मैंने एप्पल को एकदम बारीक काट के लिया है और साथ में ग्रीन ग्रेप्स को एकदम बारीक काट के ली है। एप्पल का मैंने छिलका निकाल के इसे बारीक कट किया है और साथ में मैंने 8 से 10 पुदीने के पत्ते को बारीक चॉप करके डाला है। ये हम 2 चम्मच जितना अंदर डालेंगे। फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे।
इसे थोड़ा चम्मच से चला लेंगे। ऑरेंज शरबत रेडी है, एकदम आसानी से बन जाए ऐसा ऑरेंज शरबत रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। शरबत बनाने का मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।